एवरीवन कैसे हो आप सब लोग मैं आपकी मैम सी ए कंचन गुप्ता आ चुकी है वापस से आपके कहने पे एक नई स्कीम लेके जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम तो वापस से कंपोजिशन स्कीम को आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट फॉर्मेट में पढ़ेंगे और पांच से छह मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा जैसे कि हमने सप्लाई चैप्टर किया था तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं रिविजन विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट तो सबसे पहले हमारे सामने आता है सेक्शन नंबर टेन कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन नंबर टेन जो कि हमें बताता है कि आखिरकार कंपोजिशन स्कीम हमें क्यों लेनी है कंपोजिशन स्कीम इसलिए लेनी है क्योंकि अगर हम ये ले लेंगे ले ले, तो हमारा जो कंप्लाइंसेज होगा वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा जो हम रिटर्न फाइल करेंगे वो एनुअली फाइल करेंगे और जो हम चलान की पेमेंट करेंगे वो हम क्वार्टरली पेमेंट करते हैं अब बात आती है कि जो हमारी स्कीम है ये किसके लिए है क्या इस स्कीम को हर कोई ले सकता है ये स्कीम हर किसी के लिए नहीं है ये स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में साथ करंट फाइनेंशियल ईयर में फल करोड़ रुपए तक का है या फिर पिछहत्तर लाख रुपए तक का है उन्हीं को स्कीम मिलेगी लाख मैम किस किस केस में होना चाहिए और डेढ़ करोड़ किस किस केस में होना चाहिए पिचहत्तर लाख कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स के लिए है यहाँ पे एक निमोनिक आपको दिया गया है नाग मनी तेरा पूरा मजा इसको हम याद कर सकते हैं नाग बोले तो नागालैंड मनी बोले तो मणिपुर तिरपुरा बोले तो तिरापुरा मजा बोले तो मिजोरम तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारे चार स्टेट्स कवर हो गए अदर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे कवर है मेघालय भी कवर है उत्तराखंड भी कवर है सिक्किम भी कवर है तो ये आठ स्टेट्स के लिए हमारी लिमिट हो जाती है पिछहत्तर लाख बाकी सभी के लिए ये लिमिट हो जाती है डेढ़ करोड़ अब बात आती है कि मैम ये एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हम कैसे कैलकुलेट करें पिछहत्तर पिछहत्तर लाख की लिमिट तो यहां पे जो टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है ये किया जाता है बेस्ड हम सभी की सभी की को ले लेते हैं चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो निल रेटेड हो चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो जितनी भी सप्लाई आप कर रहे हो सारी की सारी सप्लाई को हम यहाँ पे कवर करेंगे यहाँ पे हम क्या कवर नहीं करेंगे हम जीएसटी के कोई भी टैक्सेस को कवर नहीं करेंगे चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी हो चाहे वो यूटीजीएसटी हो चाहे वो जीएसटी सेस हो तो इस तरह से हम कंपिटिशन करेंगे टर्नओवर की यहाँ पे स्पेशली लिखा है पेन बेस्ड मतलब कि ऑल इंडिया में आपके जितने भी बिजनेसेस हैं हर बिजनेस की टर्न को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अगर वो हमारी पिचहत्तर लाख डेढ़ करोड़ से ऊपर हो जाती है तो फिर आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी अगर अप टू द लिमिट रहती है तो फिर आपको कंपोजिशन मिल जाएगी तो आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन के बारे में थोड़ी सी और अपन चर्चा करेंगे तो यहां पे आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे कि जो कंपोजिशन स्कीम होती है इसमें आपको कोई भी इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है आपको अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है आप अपने गुड्स पे कोई भी सर्विसेज पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे सप्लायर को यह सब बोला जा रहा है सप्लायर आप कोई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज भी नहीं कर सकते हो फिर अगर आप आगे और डिस्कस करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि जो कंपोजिशन स्कीम होती है इसको कौन अडॉप्ट कर सकता है कौन अडॉप्ट नहीं कर सकता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन नहीं मिलती है मैन्युफैक्चरर हो अगर आप नोटिफाइड गुड्स के जैसे टीपार आइसक्रीम uh, आ गई इसमें पान मसाला आ गया तंबाको आ गया एरेटेड वाटर आ गया ब्रिक्स आ गए अगर आप ऐसे नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो भी आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी अपने गुड्स सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू और उनका टीडीएस अगर डिडक्ट हो रहा है सेक्शन नंबर फिफ्टी में तो फिर उनको भी ये स्कीम नहीं मिलेगी दूसरी बात ये आती है क्या है ये स्कीम मैम सबके लिए है तो ये स्कीम जो गुड्स में डील कर रहा है उसके लिए है रेस्टोरेंट के में जो डील कर रहा है उसके लिए भी है जो गुड्स प्लस सर्विस में डीलिंग कर रहा है ये स्कीम उसके लिए भी है लेकिन यहां पे सर्विसेस पे एक लिमिट लगा दी गई है अगर मैं लिमिट की आपसे बात करूं तो आप ध्यान दो ये लिमिट कितनी है ये लिमिट है यहां पे टेन परसेंट ऑफ द प्रीवियस दीवियस इन फाइव लैख रुपीज हायर मतलब आप गुड्स में डील कर रहे हो तो आप थोड़ा मोड़ा अगर सर्विसेज दे रहे हो तो भी आपको यह स्कीम मिल जाएगी लेकिन वो थोड़ी मोड़ी सर्विसेज कितनी होनी चाहिए तो उसकी लिमिट है कि टेन परसेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर टर्न ओवर और फाइव लैख रुपीज विच इज हायर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में डील कर रहा है तो क्या उसको ये स्कीम नहीं मिलेगी अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में डील कर रहा है तो क्या उसको ये स्कीम नहीं मिलेगी तो ध्यान दो अगर कोई सिर्फ सर्विसेज में डील कर रहा है तो उसको न्यू कंपोजिशन मिलती है सेक्शन टेन टू ए वाली फिर आप सर्विसेज के साथ थोड़े मोड़े गुड्स भी दो ज्यादा गुड्स भी दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन उसमें आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है प्रीवियस ईयर में वो बदल जाएगी वो लिमिट चेंज होकर कितनी हो गई फिफ्टी लैख अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो थोड़ा मोड़ा आप गुड्स भी बेच रहे हो अगर आपकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर की लिमिट और करंट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर की लिमिट अप टू 50 लाख रुपए तक है तो फिर आप न्यू कंपोजिशन स्कीम में भी जा सकते हो मैम यहां पे अगर हम इस कंपोजिशन स्कीम में चले गए तो हमारे ऊपर टैक्स के रेट्स क्या होंगे तो यहाँ पे आप देखो ये टैक्स के रेट है अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ दी गुड्स हो तो आपके ऊपर वन परसेंट का टैक्स लगता है टोटल टर्न पे अगर आप कोई ट्रेडर ऑफ दी गुड्स हो तो आपके ऊपर वन परसेंट का टैक्स लगता है लेकिन याद रखना टैक्सेबल टर्न पे रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके ऊपर का टैक्स लगता है सर्विस प्रोवाइडर हो मतलब कि इस वाली कैटेगरी में आ रहे हो तो टैक्स का रेट कितना हो जाता है सिक्स हो जाता है अब यहां पे एक समस्या और पैदा हो जाती है कि मैम हमें ये तो समझ आ गया कि कंपोजिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी अब दिक्कत ये आती है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे लें रजिस्ट्रेशन के लिए दो बातें आती हैं फिर से कि आप पहली पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या फिर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जा रहे हो जीएसटी में तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है जिसको जीएसटी आरईजी जीरो वन फॉर्म बोलते हैं उसको भरते के साथ साथ ही पार्ट बी को भी फिल करना पड़ेगा आप जब ये फॉर्म खोलोगे तो आप देखोगे कि पार्ट बी में आपसे पूछा जाता है कि आप कंपोजिशन लेना चाहते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है अगर आप उस टाइम पे कंपोजिशन लेना चाहते हो तो बेटा पार्ट बी में टिक कर देना अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जीएसटी लॉ में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले चुके थे ऑलरेडी पुरानी जो आपकी नॉर्मल स्कीम होती है उसके थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे बट टाइम आप कंपोजिशन में स्विच करना चाहते हो तो उस केस में आपको एक नया फॉर्म फिल करना होता है जिसका नाम है जीएसटी सी एम पी जीरो टू ये फॉर्म हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही फिल किया जाता है जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ही मिलती है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि मैम कंपोजिशन मिल भी गई सब कुछ हो गया अब ये बताओ कि हमें कंपोजिशन को टाटा बाय बाय बोलना है तो हम क्या करें मतलब कंपोजिशन से हमें विदड्रॉ करना है कंपोजिशन से विद्रॉ करने के तीन रास्ते हैं कि एक तो आपके ऊपर कंडीशन लगाई गई है कि डेढ़ करोड़ पिचत्तर लाख की लिमिट पूरी करो अगर वो कंडीशन आपकी ब्रेक होती है तो आपको कंपोजिशन से बाहर आना पड़ेगा या फिर आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो कि नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है इसे आई टी सी नहीं मिलता हजार मैं से, आना चाहता हूं, अपनी से आना चाहता हूं तो भी आप आ सकते हो। या फिर, को आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है जिसके थ्रू आपको कंपोजिशन में रहने का कोई अधिकार नहीं है तो भी आपको कंपोजिशन से बाहर आना पड़ेगा दैट मीनस हमारे पास टोटल में तीन रास्ते हैं जिनमें हमें कंपोजीशन से विथड्रॉ करना पड़ता है अगर आप फर्स्ट वाले रास्ते से विथड्रॉ कर रहे हो मतलब आपसे कोई कंडीशन ब्रेक हो गई है, आपकी थ्रेशोल्ड ऑफ दी टर्नओवर क्रॉस हो गई है तो वहां पे आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जीएसटी सीएमपी 04 जिस दिन ये इवेंट अकर हुई उससे सात दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म फिल किया जाता है अगर वॉलंटरी आप आना चाहते हो कंपोजीशन से बाहर तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है सीएम पी जीरोन जीएसटी सीएम अब बात यह आती है आपने कोई घना पाप कर दिया कोई अपराध कर दिया जिसकी वजह से एओ आपसे खुश नहीं है आपने लॉ का कॉन्ट्रोवेंशन कर दिया तो एओ सबसे पहले स्टेप में आपको शोकॉज नोटिस इश्यू करता है आपको शोकॉज नोटिस दिया जाता है जीएसटी सीएम जीरो फाइव में आपसे पूछा जाता है कि बताओ आपने ये अपराध किया क्या आप मानते हो कि आपने किया फिर आपको स्टेप टू में रिप्लाई देना होता है कि साहब मैंने अपराध नहीं किया मुझसे गलती हो गई बला बला रिप्लाई आपको 15 डेज के अंदर अंदर देना होता है जीएसटी सीएमपी फॉर्म में देना होता है अब आपके रिप्लाई को पढ़ के या तो हो सकता है एओ खुश हो जाए या हो सकता है और ज्यादा दुखी हो जाए तो वो एक ऑर्डर इश्यू करेगा आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट करने का ऑर्डर या फिर आपके रिप्लाई को रिजेक्ट करने का ऑर्डर इशू करेगा और ये ऑर्डर इशू किया जाएगा जीएसटी सीएमपी जीरो सेवन में अगर यहां पे उसको आपका रिप्लाई पसंद आ जाता है तो वो एक्सेप्टेंस दे देगा आपको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है और अगर उसका रिप्लाई आपका रिप्लाई उसको पसंद नहीं आता तो फिर आपको विडड्रॉ करना पड़ेगा और ये ऑर्डर कौन से फॉर्म में आता है जीएसटी सीएमपी जीरो सेवन में तो इसी तरह हमने पूरा का पूरा अपना ये कंपोजिशन स्कीम एक प्यारे से ब्यूटीफुल हैंड नोट्स के थ्रू कवर कर लिया है तो आई होप आपको बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा अब मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बता के जरूर जाना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए सो बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल